असल मैं हूं शेख जवा जावा आपका अपना हम आस्ट्रॉजर हमदोसर अब्ल की एरिस और ट्वेंटी थर्ड दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये इस साल की आखिरी जो है वो वीकली वीडियो है और अलहमद हमने आपको पूरा साल जो सर्व किया है इसमें भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी तब्दीलियाँ हमने खुद में भी जो है वो की आज भी मैं आपसे यही कहूँगा नए साल की इब्तदा है और बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ रहें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें हर बार कोशिश होती है कि बेस्ट नॉलेज आपको जो है वो डिलीवर किया जाए उसमें कई बार प्लैनेट्स नेगेटिव होते हैं तो कुछ लोग नाराज भी होते हैं और जब प्लैनेट अच्छे होते हैं बहुत सारे लोगों की भी आती हैं लेकिन चूंकि मैंने आपने समझा होगा कि मैंने कुछ लोगों का अल्फाज इस्तेमाल किया जो हकीकत से नजर चुराना चाहते हैं कभी भी सारा साल आपके पास दिन नहीं रहता ये तीन सौ पैंसठ दिन है तो तीन सौ पैंसठ रातें भी हैं यही कुदरत का निज़ाम है डेली आप इसको देखते दे। आज की जो वीडियो है उसमें बहुत कुछ आपके लिए अच्छा है लेकिन कुछ चीज़ें लर्निंग भी हैं और लार्मिंग भी मुझे आपको बतानी होती है सबसे पहले तो लास्ट वीक की जो बिग न्यूज़ थी उसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक में हमने आपको बताया था कि जुपिटर जो है वो अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये आपके फर्स्ट हाउस में जो है वो आ रहा है इसके ऊपर एक वीडियो में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ हो सकता है कि इस वीडियो से पहले या इस वीडियो के बाद वो आपको इन मिल जाए ठीक इसी तरह मैंने एक वीडियो सेटन के ऊपर जो है वो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड हो चुकी है आप उसको देख सकते हैं सेटन इन 2023 और 12 के 12 जोडिक साइन के बारे में मैंने बताया आप अपना भी सुन सकते हैं और अपने अहबाब के बारे में भी उसमें जान सकते हैं तो आज की वीडियो को जो स्टार्टअप है वो सबसे पहले जुपिटर पर बात करूँगा जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आ चुका है जब याफ़्त स्टार्ट होगा तो अभी पहली डिग्री पे ये जो है वो चल रहा होगा अब जुपिटर को देखने के फर्स्ट हाउस में आएगा तो क्या होगा एक्सपेंशन देगा आपको आप अपनी यातीी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पूरी तरह से जो है वो कोशा होंगे ताती शहरत मादी फवायद का असूल ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो रख लेंगी ठीक इसी तरह जैसे मादियत की तरफ आपकी तवज्जो जाएगी बिल्कुल ठीक इसी तरह स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपकी जाएगी चूँकि आपका ये नामे और बारहवें घर का हक में वो लोग जो पाकिस्तान से बाइक ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़े अच्छे मौाक़ होंगे इसके अलावा अगर आप इमिग्रेशन के असूल में कुछ आएँ तो उसके लिए भी आपको कामयाबी मिल सकती है सो ये दोनों काम और अगर आप किसी भी तरह शुबा अमलियात से तल्लुक़ रखते हैं या आपको शौक है स्परिचुअलिटी में अपनी इनर जो आपका फ्लेम है उसको आप जो है वो हाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है जुपिटर जब आपके बारहवें घर में था तो कुछ हिडन एनिमीज़ को भी ये बॉयल करा था अब वो सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा और आप कुदरी तो तौर पर माइल होंगे ना सिर्फ आप नॉलेज गेन करेंगे बल्कि इसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी आप बहुत कुछ जो है वो हासिल कर सकेंगे फिर इस हफ्ते में ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर को न्यू मून होगा कैप्रिकॉर्न में कैप्रिकॉर्न में न्यू मून का होना यानी चूंकि आपके चौथे घर का आके में और आपके दसवें घर में जो है ये राइज़ अप हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि एट द वन गो में आप अपनी खानगी मामला को भी और अपने कैरियर रोज़गार की तरफ जो है वो आप बड़ी तेज़ी की तरफ मायल होंगे स्पेशली अपने कैरियर रोज़गार की साइड पे आपकी तवज्जो ज़्यादा होगी और यहाँ पे आप जो है वो नए आइडियाज़ के साथ आप इसको जो है वो ले कर चलेंगे और इसमें आपको फैमिली की सपोर्ट भी जो है वो हासिल होगी स्पेशली आपकी मदर साइड से आपको यहाँ पर बड़ी सपोर्ट जो है वो मिल सकती है इंटेंशली अनइंटेंशियली आप इसके ऊपर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और यकीन करें कि ये आपके लिए बड़ा ही आइडियल है फिर जब ये कब तक चलेगा तो ये समझ लें कि ये जब तक फुल मून होगा और जो कि होगा कैंसर में बिल्कुल इसके 180 डिग्री पे तब तक यानी अगले चौदह पंद्रह दिन आप पूरा इसके ऊपर फोकस होंगे उसके बाद आपकी जो तो है थोड़ी सी डाइवर्ट भी होगी फिर ट्वेंटी दिसंबर को मरकरी जो है वो जो है वो रेटोगेट हो जाएगा बल्कि इसके रेटोग्रेशन पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको बताऊं ये जो टाइम होगा वो आपकी घर सवारी प्रॉपर्टी की खरीद फोर्थ के लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा ये न्यू मून जो कि हो रहा है ट्वेंटी फोर्थ को अब इसी से जुड़ी एक चीज़ है कि आपको ये ट्वेंटी uh, एट्थ को मरकरी uh, जो है वो रेटोग्रेट हो रहा अब मरकरी की रेटोग्रेशन में आपने याद रखना है आपने नया घर कारोबार में कोई बड़ी मेजर तब्दीली और यह जॉब की तब्दीली या उसके आगाज़ से आपको गुरेज करना है चूँकि ये आपके तीसरे घर का भी लॉड है या आपके छठे घर का भी लॉड है छठे घर आपकी जॉब से मुतलक है दसवें घर में होगा जॉब और सीनियर दोनों यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन का गैप भी हो सकता है आप अगर कारोबार में जाएंगे तो जो एग्रीमेंट्स होंगे वो फिलफिल नहीं किए जाएंगे तीसरा घर तहरीर व तकरीर का है तो अगर रेट्रोक्रेशन में होगी तो मिस कमिटमेंट्स तो आप समझ लेके सामने लिखी हुई हैं मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक बार हम आ, हमारी कम्युनिटी के सारे लोग सारे स्टोलजर बहुत सारे उसमें नेम थे जिनको यकीन है ना आप लोग जानते भी होंगे आ, ये सारे इकट्ठे हुए कि भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है मैंने उसमें एक छोटी सी बात की थी मैंने कहा आप सब लोग इकट्ठे हैं और आपको जानते हैं कि मरकर जैटोग्रेट है जिसकी आप आज बेच सकने जा रहे हैं तो उस वक्त मेरी बात को किसी ने गौर नहीं किया लेकिन वो आज तक दो साल गुजर चुके हैं खाना बहुत अच्छा था जिस पर हम इकट्ठे हुए लेकिन वो अगले स्टेप में भी नहीं हम जो है वो जा सके तो एग्जैक्टली ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं इनको इग्नोर मत कीजिएगा मैं आपको यहाँ पे ये भी, भी बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत होगी सबसे पहले इस वक्त जो आप डिलीवर करना चाहेंगे वो डिलीवर कर नहीं पाएंगे आपकी स्पीच में थोड़ी हार्शनेस जो है वो आ सकती है बिकॉज के आपका जो मार्स है वो तीसरे घर में आपसे हार्श टॉकिंग करवा सकता है जल्दबाजी से कतई जल्द तौर पे आपको जो है वो ग्रेस करना और आपने फोकस करना है आ, अपनी छठी इस पर सिक्स सेंस आपको बताएगी लॉजिक कुछ भी हो सामने वाला जितनी मर्जी दिल दिखा रहा हो पेपर्स आपको दिखाए किसी चीज़ के लिए झूठे फेक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएगा आपने अपनी सिक्स सेंस पर जो है वो फोकस करना है अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक नए जाविये से देखें और कोशिश करें कि आप कोई वे आउट निकालें यहाँ पे आपको वे आउट मिलेगा जहाँ पे इसकी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहाँ पे इसका ये बेनिफिट भी है कि ये आपको एक बार रिव्यू में लेके जाता है और सुदीप्यू से आप जो है वो निकल लेते हैं जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहें अपने डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी तौर पे जो है वो चेक कर लें रीचेक कर लें बिल्कुल ठीक इसी तरह अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग उसके बाकी उसके बाकी पुजाजात इनको चेक कर लें प्लान में थोड़ा सा स्पेस रखें ये फ्लैक्चुएट हो सकता है सो इसके ऊपर आपने करना है आ, किसी भी चीज़ को बनाते वक्त उसकी क्रिएशन के टाइम पे तहरीर और तकरीर के टाइम पे स्पेशली छठे घर का है तो जॉब जब भी आप कर रहे हो तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है ख़्याल क्या करना है कि आपसे कोई मिसिंग हो सकती है तो बेहतर होगा कि जो भी आप काम करें उसको एक बार री चेक जो है वो जरूर कर लें स्पेशली अगर आप किसी भी तरह से राइटिंग का काम करते हैं आप कोई ड्रामा राइटर हैं आप एच आर डिपार्टमेंट में हैं आप कोई स्पीकर हैं जैसे मेरा काम भी आपसे स्पीच करना है तो आ, इन चीज़ों को अगर आप कोई आर्ट से मुतलिक आप कोई म्यूज़िक से मुतलिक काम करें अब नवादरात का काम करें आप ओक्लेट साइंसिस पर काम करें तो गलती की गुंजाइश मौजूद होगी और जल्दबाजी में फैसला हर किस ना करें अब ये तो ठीक इन चीज़ों पर फोकस कीजिएगा कई चीज़ ऐसी भी तो जिनको हम स्ट्रांगली कहते हैं कि इनको तो आप बिल्कुल भी ना करें कोई भी बड़ी खरीदो फरोख्त डीलिंग कोई मुहदा या किसी नए काम की बिगिनिंग जो है उसको ना करें जैसे कि मैंने भी आपको एक मिसाल दी इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक अपनी कार की अपनी गैजेट्स जो आप यूज़ करते हैं आप टैबलेट यूज़ करते हैं आप मोबाइल यूज़ करते हैं आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं इनको एक बार चेक कर लें इनमें ख़राबी का जो है वो मतलब को है और हो सके तो इनका बैकअप ज़रूर ले लें एक बार इसके स्टार्टअप से पहले आप जो है इसको बैकअप ले लें किसी भी बात को फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करने से गुरेज़ करें इंसान कई बार मैंने हजरत अली का कॉल आपको एक बार बताया था कि मौला फरमाते हैं कि मुँह से निकली बात और कमान से निकला थी कभी वापस नहीं आ सकता इसलिए बड़े समझदार ये भी कहते हैं कि पहले तो लो फिर बोलो ये मुहावरा आपने कई बार सुना होगा तो exactly इस ड्यूरेशन में आपको ये कहना अब ये ड्यूरेशन कितनी है ये एटीनथ जो है वो जनवरी तक चलेगी अगले साल 18 जनवरी तक चलेगी टोटल इसके अगर आप देखें तो ये कोई बीस इक्कीस दिन जो है वो बनते हैं और इसके ऊपर हमारी पोस्टें भी आती हैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हमारे जो व्हाट्सअप है इसके ऊपर भी आते हैं आसरुलजवा के नाम से आप हमें कहीं भी सोशल मीडिया पे फाइंड कर सकते कुछ भी ना मिले सिंपल आप गूगल सर्च में आसुर जवा लिखें आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी किसी भी किस्म के बहस व तकरार या लड़ाई झगड़े से आपको गुरेज करना स्पेशली जो आपके कोवर्कर्स हैं स्पेशली जो आपके छोटे भाई हैं या जो आपके रिलेशनशिप में सोशल रिलेशनशिप के जो लोग हैं और आपके जो ज़ाहरी मुखालफी हैं इनके साथ भी बैसु तकरार से गुरेज कीजिएगा लड़ाई झगड़े से क्योंकि ये चीज़ तौर भी आपकी फेवर में नहीं होगा इस तरह आ, बिल्कुल ठीक इसी तरह मैं कहूँगा कि गौसअ पर मत जाइएगा दूसरों के बारे में ज्यूम करने से अपने बारे में ओवर थिंकिंग सिंपल वर्ड्स में कहूँगा ओवर थिंकिंग से आपने गुरेज करना है कि ये हो सकता है या वो ये सोच सकता है नहीं ऐसा कुछ नहीं और स्पेशली uh, मैं कहूँगा अपने करीबियों के साथ आपको बड़ी ही अच्छे अंदाज में चलना है और बिलखसूस अपने सीनियर के साथ अपनी मदर इन लॉ के साथ आपको बड़ी एहतियात के साथ चलना है यहाँ पे कुछ मिसकमिटमेंट्स uh, कुछ ओवरलैपिंग uh, की हो सकती है माइट के आपकी जगह कोई और बात सुने वो आपको इतनी बात को इतना करके सुना दे और आप झगड़ने पे आवाद हो जाए या आप एक करैक्टर अपने माइंड में बना लेते हैं इंसान के भाई अच्छा वो तो ऐसा हुआ होगा और वो ये सोच रहे थे उसने ये मुझे कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर आपने जब तक आप अपने कानों से आँखों से देखना लें कानों से सुनना लें आपने किसी बात पर यकीन नहीं करना टाइम दीजिए वो स्पेशली जनवरी के बाद का ये आपको इन चीज़ों पे आपको ग्रेज करना है अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है और वही हो रही है उनतीस दिसंबर को जहरा और अतारत का किरान हो रहा है आपके जायचे के दसवें घर में ये उस वक़्त होगा जबकि मरकरी रेट्रोग्रेट हो गया होगा अब वीनस है आपके मटेरियल से मुतल आपकी फाइनेंस से मुतिक आपके रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ और इन जो चूँकि दसवें घर में तो कैरी रोज़गार से मतलब जो है मामला यहाँ पर गलत फ़ैसले मत होंगे लेन देन में एहतियात कीजिएगा और जिसको हम कहते हैं ओवर एक्सपेंस की तरफ मत जाइएगा वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगी अपनी सेहत का ख्याल कीजिएगा रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए कई बार खराज करने पड़ते लेकिन ये भी है कि आपका जो वर्किंग पार्टनर है वो आपसे कुछ इजाफ़ी अखराजा भी करवा सकते और अगर आपने इस ड्यूरेशन में प्लान किया हुआ है कोई रेनोवेशन का चूँकि दसवें घर में था मैंने कहा था रेनोवेशन के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा आप अपनी जो वर्क प्लेस उसके है उसके गैजेट्स ख़रीद सकते हैं जो भी करना है उसको इससे पहले पहले आपने कंप्लीट करना यानी आपने ट्वेंटी से पहले करना अदरवाइज़ आपके अखराज भी ज़्यादा हो जाएंगे और आपको मुतलका या मतलूबा चीज़ जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिल पाएगी इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा मंगनी शादी दोनों तय पाने के इम्कान बहुत ज़्यादा आपके रोशन होंगे ग्यारहवें घर में, ग्यार में सट्टन आपकी गुड लक को आपकी इन चीज़ों को जो है वो बड़ा ही इनहेंस कर रहा है आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो कॉरल आप पहन सकते हैं इस यानी कि मरचान इसके अलावा याकूत और अगर आप ये दोनों फोड़ना करते हो तो आप जो है वो सुरख हतीक पहन सकते हैं बेहतरीन जम स्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट जवाज डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं यहाँ पर विज़िट करके आप अपनी पसंद की स्टोन्स ले सकते हैं और अगर हमारी डिस्काउंट ऑफर से मुस्तित होना चाहें तो एवरी वीक हम जो है किसी भी एक स्टोन पर आपको नॉलेज भी देते हैं और वीकेंड स्पेशल के नाम से आपको उस स्टोन के ऊपर डिस्काउंट भी होता है तो हमारे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाइए या व्हाट्सअप नंबर पे अपना नेम और अपना जॉडिक साइन लिख के हमें सेंड कर दीजिए तो आपको हम अपने साथ अटैच कर लेंगे इजाज़ा होगा इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी दुआओं में हमेशा की तरह मुझे फिर याद रखेंगे टॉरस वीकली और उसको ट्वेंटी फिफ्थ टू थर्टी फर्स्ट दिसंबर हम दोस्तों सना है रब्ल की दरूदलम मोहम्मद मोहम्मद पे बिलाशुबा ये हस्तियाँ कायनत की वो हस्तियाँ जिनकी जो कि बजे तखरीक कायनत है मैं आ, हमेशा अपनी वीडियोज़ का आगाज़ इन पे दरूदलम के साथ करना चाहूँगा चूंकि ये मेरे लिए एक ग्रो अप का सिलसिला है आपका यह हफ्ता कैसा गुजरेगा ये एक ऐसा सवाल होता है कि जिसको बहुत सारे लोग जो है वो जानना चाह रहे होते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक जुबला पहले बोलना चाहूँगा ये जहन में रखें कि आपको पता चल भी जाए कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा तो आपके पास ये मौका होता है कि आप अपने किरदार से उसको बेटरमेंट की तरफ ले जाए अपने किरदार से उसको नेगेटिव कर लें यही चीज़ें पहले बताने का मकसद ये होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो आप वो गलतियाँ ना कर लें जो कि आपसे हो सकती हैं और ये गुंजाइश मौजूद होती है कि आप अपनी असलाह कर लें और इसी गुंजाइश के बिना पे ही आपको रोज़े माशर जजा और सजा में जो है वो पार्टिसपेट करना है तो आ, इस हफ्ते में जो सबसे पहली बात है मैं आपको कहूँगा दो वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड हो चुकी हैं सेटन इन 2023 आपका अपकमिंग ईयर में सेटन आपके लिए क्या करेगा आ, ये वीडियो अपलोड हो चुकी है जरूर देख लीजिएगा बहुत डिटेल के साथ मैंने सेट्टन को डिस्कस किया है बारह के बारह में दूसरी आपके लिए एक और वीडियो अपलोड हो चुकी है वो शायद इसके बाद आपके लिए आए आ, जुपिटर जो कि तकरीब ट्वेंटी एथ से पिछले वीक से जो है वो आ, आपके जाइे के बारहवें घर में आ चुका हुआ है बारह के बारह जोडिक साइन में मैंने इसके में आज भी इसके बारे में थोड़ी सी बात जरूर करूँगा फिर शफ कमर की वीडियो भी आ रही है जो इसके बाद इन आपके लिए आएगी बारहवें घर में जुपिटर आया है जो कि आपके आठवें घर का आके में ये कुछ आपको सेहत के मसाइल से निजात भी दिलाएगा और कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्ब भी होंगी आपकी जो बारहवें घर में और जो हिडन एनिमीज़ है आपकी वो थोड़ी सी बॉइल्ड हो जाएंगी आपकी नींद में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप देखेंगी लेकिन आपकी जो पोशीदा दुनिया है जो जिसको हम कहते हैं अकलट साइंस जो लाशौरी पे आपकी चीज़ें हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगी कोई रूहानी गाइड आपको मिल सकता है इसके अलावा आपकी जो आप जिसको हम कहते हैं आ, इमिग्रेशन उसके असल में आपको कामयाबी मिल सकती है हालांकि मार्स जो है वो रेटोग्रेट है दूसरे घर में आपके इसके बावजूद ये चीज़ें आपको जो है मिल सकती फ़िलाही इधारों की तरफ फ़िलाही कामों की तरफ आप बहुत ज़्यादा होंगे और आप कुछ चीज़ों का इजहार करना चाहेंगे जो आपके लाशोर में फंसी पड़ी थी रुकी पड़ी थी अब आप उसका इज़हार करना चाहेंगे इजहार राय की आज़ादी जो है वो आपके लिए आ, बड़ी ही अहमियत होगी जपटर बारहवें घर में तो ये आपको कुछ अच्छे लोगों की सहबत करवा सकता है यहाँ पे अगर मार्स होता आ, या कोई और प्लानट होता तो मैं कहता तो जी बुरे लोगों की सोहबत आपको मिल सके लेकिन ये अच्छे लोगों की और अपने ख्वाबों पे ज़रूर फोकस कीजिएगा ये बड़े ही अहम होंगे ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ वैसे मैंने इसकी पूरी डिटेल जो है वो डिस्कस की है अपनी उस जुपीटर वाली वीडियो में वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया 24 दिसंबर को न्यू मून होगा जो कि आपके जायचे के नामे घर में होगा ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका फोकस इस कमरी महीने के मिड तक कम अज़ कम आप कह सकते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत होगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप डेवलप करना चाहेंगे रिलेशनशिप पे आपका फोकस होगा अपनी एबिलिटीज़ को अपनी स्किल्स को आप पॉलिश करने की तरफ जाएंगे कोई स्परिचुल uh, ट्रैवल भी हो सकता है नज़दीक दूर का कोई ट्रैवल इसी तरह एजुकेशन सेक्टर पे भी आपका फोकस रहेगा आ, चाहे वो आपकी बेसिक एजुकेशन हो चाहे आपकी वो स्पेशलाइजेशन की तरफ हो कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहे ज्यारत मकदस क्योंकि स्परिचुअलिटी का लॉर्ड तो बाद में घर में बैठा है वो तो दिमाग में डालता रहेगा ज़्याारत मक़द यह उम्र की सहदत के लिए आप अपनी कोशिशों को तेज़ कर सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ौर आपको ट्रैवल हो रहा है मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी कोशिशों को तेज कर सकते हैं उसके बाद आपके 28 दिसंबर को मरकरी जो कि आपके जाहिर के नवें घर में मौजूद है ये रेट्रोग्रेड कर जाएगा और ये 18 जनवरी तक जो है वो रेट्रोग्रेड रहेगा सो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि मरकरी आपके पाँचवें घर का हकम है मरकरी आपके दूसरे फाइनेंस का भी लॉड है लेन देन के मामले में आपको बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है स्पेशली कोई एग्रीमेंट जो है उसको इस ड्यूरेशन में साइन करना नए काम की बिगनिंग करना वीज़ा अप्लाई करना इस वक्त में जो है वो आपके लिए बेहतर होगा इसी तरह अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से तो भी आपको बड़ी ही एहतियात के साथ डॉक्यमेंटेशन स्केल बारह से चौदह की हो या आपकी स्पेशलाइजेशन दी हो आपने उस चीज़ों को रिचेक ज़रूर करना है। जो भी काम करें उसको री चेक जरूर करें लॉजिक से ज़्यादा आपको अपनी सिक्स सेंस पे जो है इसके ऊपर बिलीव करना होगा डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप सबमिट करवाना चाहें उसको एक बार जरूर चेक कर लें और अगर आपके एग्ज़ाइम्स हैं इंस्टूलेशन में तो फिर आपको ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी फिर मैं आपसे कहूँगा कि हर बुध को आधा किलो मूंग साबित का सदका देना अपना मामूल बनाइए एटीन जनवरी तक दो या तीन बुद्ध आएँगी ये सदका दे के आप परवर की अमान जो है वो हासिल कर सकते हैं आपका ट्रैवल किसी भी सेंस में हो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को रीचेक ज़रूर कीजिएगा अपने पास उसको हिफाजत से भी रखिएगा इसी तरह अपने जो गैजेट्स हैं आपका लैपटॉप आपके मोबाइल हो गया या आपका कोई भी गैजेट है आप जो भी यूज़ करते हैं उसका बैकअप जरूर लीजिएगा और उसकी क्वालिटी को भी आपने जो है वो इंश्योर करना और मैं स्ट्रॉगली कहूँगा स्पेशली बच्चों के साथ अपने लव वन के साथ यहाँ पर आपको बड़ी ही मोहतात रवि से फ़ौरन जवाब देने से गुरेज कीजिएगा अपनी सुसाली जजीज़ोकार इनके साथ भी रिलेशनशिप को बैलेंस रखने के लिए आपको थोड़ा सा तहमुल का मुजाहरा करने की ज़रूरत होगी सो आ, इसके लिए आपको आ, आ, स्पेशल फोकस करने की जरूरत है ट्वेंटी नाइन्थ दिसंबर को वीनस और मरकरी का कंजक्शन हो रहा है चूंकि ये आपका अपना साइन लॉर्ड है इसके लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और ये उस वक्त हो रहा है जबकि मरकरी जो है वो रेट्रोगेट होगा आपको उसने ज़न का मुजाहरा करने की ज़रूरत होगी आपको जल्दबाजी में कोई फ़ैसले नहीं करने और ये भी मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए स्पेशली स्परिचुल मामला में सोसाइड रिलेशनशिप में अपनी जॉब के हवाले से को वर्कर्स के साथ या आप किसी से कोई मुहदा कर लेते हैं इस सेंस में कि या आपको लेन देन करना चाहते हैं ओवरसीज़ ट्रैवल के हवाले से मैं स्पेशली कहूँगा तो फिर आपको जो है वो महतात रहना है इसके अलावा अगर इस जो आपके हैं उनके साथ भी गुफ्तु में आपने एहतियात करनी है चूँकि नाइन्थ हाउस है स्परिचुअल हीलर हों आपके या आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज के टीचर्स हों इनके साथ आपने थोड़ा मोहतात रहना है कम्युनिकेशन जल्दबाजी नहीं करनी फिर अपनी ज़ात और अपने किरदार को कहीं भी आपने जो है वो आगे नहीं लेके आना कई लोग कहते हैं चूँकि जी मैं ऐसा चूँकि मैं ये जो मैं है ये इस वक्त आपके लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होगी तो सो कोशिश कीजिएगा कि इससे आप जो है वो गुरेज कर सकें इसके अलावा बहुत सारा नॉलेज हम आपको दे रहे हैं शरफ़ कमर इन ये होगा मेरे ख्याल में शायद यकम जनवरी को ही होगा नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो के बाद दो वीडियोस आपको मिलेंगी अगली वीकली से पहले एक जुपिटर के हवाले से एक शरफ कमर दुआ की कबूलीत का खास वक्त खास अमल हमारा मकबूल आम सिलसिला तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन शहतरीन होगी सो तो आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुष्ट कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मिलती नहीं कोई मिस ना हो आपसे इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आश्टो जावा के नाम से जो है वहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए बेहतरीन स्टोन डायमंड मोजोनाइट वाइट टपाज़ ब्लू टुपाज ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो साबित हो सकते हैं बेहतरीन जम स्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको बेहतरीन मिले वैसे भी हर वीक पे वीकेंड स्पेशल के नाम से आपको किसी भी एक स्टोन के ऊपर नॉलेज भी दिया जाता है उसके ऊपर और उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर भी होती है उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से मुस्तफ़ होंगे तो मुझे अपनी दो में ज़रूर याद करेंगे इजाज़त जमनई वीकली औरस्कोप 25 फिफ्थ टू थर्टी दिसंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजर गया जमनई ये इस साल की आखिरी वीकली वीडियो है और इसके साथ ही हमने जो है वो आपके लिए 2023 की वीडियोस का अपलोडिंग का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है इसी चैनल पे आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जुपिटर के हवाले से जुपिटर इन एरीज़ और फिर इसने आपके जाए के 23 थ्री में आपके जाए के जो है वो बारहवें घर में भी जाना है टॉर्स में दोनों चीज़ों पर बात हुई है और बड़ी डिटेल से इनशाला बात हुई है वो वीडियो इनशाला आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी अभी तक अगर आपने नहीं देखी उसको जरूर देख लीजिएगा आपके लिए इनाला आ, अच्छी नॉलेज आपको जो है मिल सकेगी इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है तो इस हफ्ते में सबसे पहले तो आपके जाहिर के आठवें घर में जो है वो आ, मून जो है वो तलु हो रहा है न्यू मून हो रहा है न्यू मून का आठवें घर में त्लू होना जो कि आपके खाना माल का के में तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप फाइनेंस के लिहाज से किसी परेशानी का शिकार जो है वो हो सकते हैं आपका पूरा फोकस अपनी फाइनेंस के ऊपर होगा मून की एट्थ प्लेसमेंट किसी तौर भी अच्छी नहीं होती लेकिन उसके बाद ये आपके जाइचे के ऐसे रूट पर जाएगा जो कि जिसको हम तलू होना कहते हैं तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा कि आप अपनी फाइनेंशियल जो डिज़ायर्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करने के लिए नए वे आउट की तरफ जो है वो आप जा सकेंगे नए आइडियाज़ पे काम कर सकेंगे नाइन्थ हाउस में अगर स्पिरिचुअलिटी में आपको मदद देगा फिर आपके जायचे के आ, आ जाएगा ये दसवें घर में कैरी रोज़गार के ऊपर फाइनेंशियल मामला यहाँ पे ग्यारहवें घर में ये इस तरह से चलता चलता तकरीबन चौदह दिन ये आपको आपका पूरा फोकस करवाएगा अपनी फाइनेंस की तरफ फिर आपके बारहवें का लॉड जो कि आपके लाश से मतलब है आपकी जो पोशीदा मामलात हैं उसके मतलब भी वीनस एट्थ हाउस में एट्थ का वीनस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम करता है गो के आपका जुपिटर जो है वो सेवन्थ का लॉर्ड होते हुए आपके ग्यारहवें में गया है इसके बावजूद आपको वीनस को थोड़ी सी अहमियत ज़रूर देनी होगी फिर ये आपके जाएचे के पाँचवें घर का लॉड है और आठवें घर में इसकी मौजूदगी ये बताती है कि आप बच्चों की तरफ से आपकी लव लाइफ की तरफ से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी सडन गेन का सिलसिला पहले भी हुआ लेकिन अब ये सडन गेन जो आपके हैं या जो इनाम स्कीम में पार्टिसिपेशन है अब ये आपके लिए बेहतर नहीं होगी दूसरी तरफ आप जमनाई हैं तो बड़ी माजा के साथ खबरें इसी तरह की हैं लेकिन मुझे बतानी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप वॉल हो सके आपको पता हो हालात किस तरफ जा रहे मैं आपको इस वीडियो में ही इस कुछ सदक़ात खास तौर पे आपके लिए रिकमेंड करूँगा चूँकि हालात के जो चेंज हो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ हमें उसके मुताबिक चलना है सन यहाँ पे आ चुका है मरकरी यहाँ पे मौजूद है एट्थ में वीनस मौजूद है असेंडेंट में आपके मार्स रेट्रोग्रेट है सो हालात आपके लिए इतने और पंजाबी में जिसको कहते हैं सौखे नहीं हैं हम लोग लाहौर से ना तो कई बार कुछ चीज़ों को पंजाबी में रिप्रेजेंट करना बड़ा अच्छा लगता है और हम समझते हैं कि ये हम बट बेहतर अंदाज में जो है वो यहाँ पर डिलीवर कर देंगे सो इसलिए सो उर्दू में अगर आप कहूँ तो सर आपके लिए कुछ भी अब आसान नहीं है आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकल पे आपको, पे आपको आ, जो है वो लेके आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मार्स जो है वो अगर पीछे की तरफ तक है तो, तो सटन सेक्टर जो है वो आपको यहाँ पे सपोर्ट देगा क्योंकि यहाँ से सेक्टर जो है वो आपके असेंडेंट के साथ तसलीस की नज़र बना रहा है यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी इन कुदरत ने कभी भी ऐसे नहीं छोड़ा तो यहाँ पे आपके लिए मैं स्ट्रॉगली कहूँगा कि आपको ख्याल करना बहन भाई अजीत वारों के साथ रिलेशनशिप को आ, बेहतर बनाने के लिए आपको तामिल और बुद्धबारी का मुजहरा करना है 28 दिसंबर को मरकरी जो है ये भी रेट्रोक्रेट हो जाएगा और 18 जनवरी 2023 तक ये रेट्रोक्रेट रहेगा मरकरी की रिजत आपको खूसी तौर पर क्या करती है तजबजब का शिकार करती है फैसला मेकिंग में, में आपसे गलतियाँ हो सकती हैं चूंकि आपका मेजर प्लानट यही है आपका रूलिंग प्लानट है और आपका मोस्टली प्रॉब्लम जो है वो या जो मोस्टली जो आप निकलते हैं जो मास्टर पीस आपको मिला हुआ है वो ब्रेन है ब्रेन का तलब मरकरी के साथ है यानि अतारत के साथ अब अगर ये आठवें घर में रिजत पजीर है तो फिर प्रॉब्लम आपके साथ हो सके स्पेशली स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अपनी फैमिली घर प्रॉपर्टी सवारी की फरोख्त लेन देन में रिजत के दौरान में आपको कोई ऐसा काम नहीं करना कोई भी बड़ा माहिदा स्पेशली आपके वो घर के बारे में हो खान की मामला के बारे में हो वो आपकी प्रॉपर्टी के बारे में हो कोई डीलिंग्स इस तरह की आपने नहीं करनी कोई रिटर्न में आपने नहीं करना ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा और अगर आप पार्टनरशिप में काम करें फिर मैं बिलखसूस कहूँगा कि मामला को आपको थोड़ा सा चाहिए थोड़ा सा टाइम के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ दें और एक कदम पीछे हो जाए क्योंकि इस वक्त आप डिलीवर कर नहीं पाएंगे और अगर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे तो असेंडेंट का मार्स आपसे कुछ गलत करवा सकता है जल्दबाजी में फैसलों से गुरेज कीजिएगा आपकी सिक्सेंस बहुत तेज़ है बहुत तेज़ है लेकिन इस वक्त वो भी डिप्रेस में होगी छठे आठवें घर में ये थोड़ा सा दबाव में आ गई मैं तमाम जोडिक साइन वालों को कहने लगूँ कि इस वक्त आपने लॉजिक से काम नहीं लेना अपनी इंट्यूशन होती हैं जो सेंस है उससे काम लेना है लेकिन आपसे कहूँगा कि सदका दे के फिर इसके ऊपर काम कीजिएगा फिर इसके ऊपर फोकस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी करें उसको मशावरत के साथ करें अपनी प्रॉब्लम्स को डीप थाट्स में लेके जाए और उनको रिजॉल्व करने के लिए नए रास्ते देखें अगर आपने कोई ट्रैवल करनी है कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके से मुतलिक है उससे मुतल तो आपको चाहिए कि उसको एक बार दो बार ज़रूर चेक करें आप हो सके तो कोई भी ऐसा जिसको कि आप समझें कि ये आपके साथ लॉयल है और आउट ऑफ फैमिली हो फैमिली में से ना हो तो उसको साथ एक बार मशावरत ज़रूर करें कई बार ऐसा होता है मिसाल के तौर तो पे आप मेरी मिसाल ले लीजिए लोग मुझसे मशवरा करने आते हैं अब ये कैसा अजीब होगा कि मैं किसी से मशवरा करने चला जाऊं लेकिन इस अना को नहीं देखना आपने आप अगर फैमिली के बड़े हैं आपकी पोस्ट पे हैं तो इस अना को नहीं देखना आपने मशवरा करना है और जब मशवरा लें तो सिर्फ अपनी जरूरियात उसको सामने रख दें दूसरे बंदे की अपनी ख्वाहिश को बैकफुट पे कर दीजिए आपने अगर फैसला आ, मैं आपको कल की बात बताता हूँ कल मुझसे एक सवाल पूछा गया मेरे क्लाइंट उनके छोटे भाई का मर्डर हुआ पाकिस्तान से बाहर हैं पाकिस्तान में कुछ लेन देन के मामलात हैं उन्होंने कहा कि क्या मैं पाकिस्तान वापस आऊँ मेरा उनको जवाब था कि नहीं आपका आना नहीं बनता हालांकि बहुत बड़ी ट्रेजडी है नहीं बनता अनटिल के आपकी निगोसिएशन ना हो जाए आपके जो अपोजिशन है जो जिन्होंने यहाँ पे आपके अगेंस्ट केसेस कर रखे हैं उनके साथ कोई कमिटमेंट कर लें कोई डील कर लें फिर और इस वक्त में मरकरी की अब अजीब बात यह है कि मरकरी की रेटोग्रेशन में कमिटमेंट्स भी डिस्ट्रॉय होती हैं सो so इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आपने इसको नहीं करना अपना लैपटॉप अपना गैजेट अपना जो भी है उसको एक बार उसका बैकअप ले लें उसको चेकअप कर लें गाड़ी की प्रॉपर चेक कर लें और कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन में यानी 28 दिसंबर से 18 जनवरी तक आपको इन चीज़ों को रिपेयर करने की जो है वो ज़रूरत ना पड़े अगर आप कोई बाइंग करना चाहते हैं इससे पहले बाइंग कर लीजिए इस वक्त में इस की बाइंग करना आपके लिए जो है वो बेहतर नहीं होगा अगर आप कोई राइटर हैं अगर आप कोई पब्लिक स्पीकर हैं अगर आपका कोई को पब्लिक रिलेशन में काम है अपनी गुफ्तु को बड़ी एहतियात के साथ आपने यहाँ पे चलाना है जुपिटर आपके जायचे के ग्यारहवें घर में आपको बड़ी कामयाबियाँ स्पेशली आपके कारोबार से रिलेटेड जो है वो ज़रूर दिलवा सकता है मेरी नज़र में ये वाहद एक चीज़ है जो कि इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ी है जहाँ पर आपको जो है बेहतर रिजल्ट जो है वो मिल सकता है सो so, आपकी मदर लॉ के साथ आपका रिलेशनशिप सोशाली तो के साथ रिलेशनशिप ये बेहतर रहेगा इसके अलावा सीने के साथ आपका रिलेशनशिप आपकी तरक्की के मौके ये अभी भी चलते रहेंगे लेकिन ऐसा ना हो कि मरकरी की रेटोग्रेशन जो है वो आपकी इन तमाम चीज़ों को ग्रैब कर दे आप जो कुछ सोच के बैठे हैं वो सोच के ही बैठे रह जाएँ आपको एग्रीमेंट करें वो पूरे ही नहीं होना सो आपने इसमें बड़ा ख्याल करना है तीन सदक़ात आपको स्ट्रॉगली रिकमेंड करूँगा हर बुध को आधा किलो मूंगसाबत या आ, कोई भी सबज चीज़ का सदका जो दें अगर आप साहिब इस्तात हैं तो इसको फाइव के जी पर ले जाइए कम अज़ कम पाँच किलो सब्जी किसी डिजर्विंग पर्सन को दे सकते हैं ये सबसे अच्छा है इसी तरह आप पाँच गज कपड़ा भी ग्रीन दे सकते हैं कुछ भी हंसबेस्तात आप ग्रीन कलर का कुछ भी जो है वो कर सकते हैं आ, उसके अलावा हर जुमे को 600 ग्राम या 6 किलो चीनी का सदका देना अपना मामूल बनाइए इसके बाद इतवार को हर इतवार को एक किलो गंदम या दाल चने का सदक़ा ज़रूर दीजिए अगर आप किसी और जमनई को भी जानते हैं तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे महफूज रह सके अब इसके साथ साथ बताते चलूँ कि दो वीडियोज़ आपके लिए ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ सेट्टन की जुपिटर की तो खैर अपलोड भी हो चुकी है सेट्टन के बारे में भी आपको वीडियो जो है वो बल्कि सेटन की अपलोड हो चुकी है जुपिटर की वीडियो इनशाला इसके बाद आपके लिए आएगी और उसके साथ शफ कमर दो की कबूलियत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल ये आपको हमेशा की तरह हमारे चैनल से दिया जाएगा यकम जनवरी को है सो आ, उसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अलार्मिंग हो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको बर जो है वो तमाम वीडियोज़ मिल जाएँ जुपिटर और सेटन की वीडियोज़ जो मेरी रिकॉर्डिंग वाले लोग हैं जो सुनते हैं उनकी तरफ से बड़ी अप्रिसशन है मैं ख़ुद भी मुतमिन हूँ आप भी ज़रा उसके देख के तो उसके बारे में राय ज़रूर दीजिएगा इजाज़त चाहूँगा हाफिज़ कैंसर वीकली और 25 ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फर्स्ट दिसंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा जैसे कि आप जानते हैं आ, साल एंड हो रहा है तो ये इस साल की आखिरी जो है वो आ, वीकली आ, वीडियो होगी आपके पास उसके अलावा आपकी सहूलत के लिए जुपिटर जो कि अभी आ, शिफ्ट हुआ है आपके जाहिर के दसवें घर में इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हुई है आपने अभी तक अगर उसको नहीं देखा देख तो जरूर देख लीजिएगा उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी अभी कुछ उसके छोटे से चंक में आपको ज़रूर दूँगा ताकि चूँकि इस हफ़्ते में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी स्टार्ट हो जानी है लेकिन अब अगर आप प्रॉपर इसको समझना चाहेंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा फिर उसके बाद आपके लिए कुछ वीडियोस और भी आ रही हैं सेटन 2023 के हवाले से क्योंकि सटन आपके जाएचे के आठवें घर में मौजूद है राइट नो ये कब आपके आठवें घर को ड्रॉप करेगा और फिर क्या होगा क्या इसके इम्पैक्ट आएंगे ये सब चीज़ें भी आपके लिए आ रही है तीसरी वीडियो आपके लिए आ रही है आ, इसी वीडियो के बाद वो भी इन आएगी और वो है शरफ़ कमर दुआओं की कबूलियत का खास वक़्त और ख़ास अमल हमारी हर माह आने वाला मोस्ट वांटेड एक सिलसिला जिसमें आपको कुछ खास टाइमिंग्स बताई जाती हैं कुछ खास अमाल बताए जाते हैं उस वक़्त जबकि आपका अपना रूलिंग प्लानट आपके जाइचे के ग्यारहवें गुटलक के घर में जो है वो शफयाब होता है चूँकि ये यकम जनवरी को आ रहा है इसलिए आपको इस वीडियो में उसके बारे में छोटी सी बात आपको बता दी और बता दिया कि वीडियो जो है वो आपको इससे पहले इन दे दी जाएगी इस हफ्ते में दो चीज़ें बहुत अहम हो रही हैं एक तो मरकरी की रेटोरेशन है जो कि आपके जाइचे के सातवें घर में हो रही है दूसरा आपका अपना जो रूलिंग प्लानट मून है वो भी आपके जायचे के सातवें घर में ही तुलूपजी जो है वो हो रहा है न्यू मून इस बार आपके सातवें घर में हो रहा है सो बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी साइड पे जो है वो चेंज होने चल जाएंगी ट्वेंटी फोर्थ को मून होगा और ये आपके जाएच के सातवें जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉन में होगा तो आपका पूरा फोकस अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर आएगा और इसके अलावा चूँकि आपका अपना रूलिंग प्लेनेट है तो आप डोमिनेट होंगे अपने रिलेशन में अपने स्पाउस के साथ अपने आ, वर्किंग पार्टनर के साथ आपका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ेगा और आप फोकस करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ है जो डेली वेजेस पे भी हैं उनके अंदर कौन से गैप्स हैं और उनको फिल करने की तरफ जो है आप बड़ी तेज़ी से होंगे मून जैसे ही डेवलप होना शुरू होगा बड़ा होना शुरू होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी इमोशनल हेल्थ जो है ये तमाम ग्रोअप होगी और फिर ये आपके जाइच्चे के फर्स्ट हाउस में ही जाके फुल मून जो है इसका होगा इन इस तरह ये पूरा स्पेल जो चूँकि ये आपकी ऐसी साइड पे हो रहा है जो कि फौरी रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे दूसरा ट्वेंटी दिसंबर को मरकरी जो कि आपके जाएचे के बारहवें घर का लॉर्ड है जहाँ पर ऑलरेडी मार्स जो ये रेटोग्रेट है ये रेटोग्रेट होगा अट्ठाईस दिसंबर को और अट्ठारह जनवरी ट्वेंटी तक ये रेटोग्रेट रहेगा दूसरी तरफ ये आपके जाहिर के तीसरे घर का भी लॉर्ड है सो so, मैं आपको स्ट्रॉगली कहूँगा कि अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उसको आप मार्स की रेटोग्रेशन ने आपके जो बारहवें घर में एक बड़ा एग्रेशन वाला माहौल जो क्रिएट किया हुआ है उसको अब आप डिलीवर करने की तरफ जाना स्टार्ट होंगे लेकिन बड़ी एहतियात के साथ मैं कहूँगा चूँकि मरकरी है आपके सातवें घर में ही रिलेशनशिप के घर में है थर्ड का लॉर्ड है तो आपको बड़ी एहतियात के साथ करना है अपने वर्ड्स जो बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो आपने यूज़ करने अब आपको लॉजिक से ज़्यादा अपनी सिक्स सेंस पे जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है इसके अलावा आपने अगर इमिग्रेशन अप्लाई करनी है तो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी एहतियात करनी है नज़दीकी सफ़र अगर करेंगे सद का देखे कीजिए अपनी एबिलिटीज़ को अगर आप डिलीवर करना चाह रहे हैं आप उसको कोशिशें करना चाह रहे हैं कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं तो स्ट्रॉगली तो ये कहूँगा कि उसको ना करें नई बिगनिंग को ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा लेकिन इसके बावजूद अगर आप करना चाहें तो आपको सेल्फ कंट्रोल जो है उसको बढ़ाना होगा अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी इनर uh, साइड में जो छुपी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करने में इन कामयाब होंगे और ये आपके पास मौका होगा कि आप उसको एक नए एंगल से देखें और उनको प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की तरफ जाए वो जाएँ दौरानी सफ़र जो कि तीसरा घर है तो ड्यूरेशन जो है आपकी ट्रैवल की उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन की खास ख्याल भी रखना है और डॉक्यूमेंटेशन को चेक करके फिर आपने अपना ट्रैवल जो है उसको स्टार्ट करना है ठीक इसी तरह जो आपके कम्युनिकेशन के गैजेट्स हैं लैपटॉप हो गया मोबाइल हो गया या कोई भी इसके अलावा आपकी गाड़ी है जो इस पर आप कम्युनिकेट करते हैं आपकी बाइक है तो उनकी हेल्थ को आपने ज़रूर चेक कर लेना नई बाइक नई ये चीज़ें ख़रीदने से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ख़रीदने से या कम्युनिकेशन वाले गैजेट्स ख़रीदने से आपको जो है वो गुरेज करनी जिसमें कि आपके लैपटॉप भी आते हैं क्योंकि इसी के ज़रिए आप जो है वो ईमेल भी कर रहे होते हैं अच्छा टेक्स्ट जो आप करते हैं उसमें भी आपको बड़ी एहतियात करनी है आपको हार्श चॉकिंग से ज़रूर बचने की जो है वो ज़रूरत जुरूर होगी अगर आपका किसी भी तरीके से ऑफिस वर्क है राइटिंग का काम है या पब्लिक सेक्टर में आप काम करते हैं स्पीच देनी होती है आपको तो अपने कामों को एक बार रीचेक जो है आ, वो जरूर कीजिए यह आपके लिए बेहतर होगा किसी भी किस्म की बहस लड़ाई झगड़े इससे आपने ग्रोज करें और स्पेशली अपने स्पाउस के साथ अपने वर्किंग पार्टनर के साथ या अपने छोटे बहन भाइयों के साथ चूंकि थर्ड का लॉर्ड है यहाँ भी ये भी बताऊँगा कि इसकी इटोग्रेशन की ड्यूरेशन में आपके जो आपके अपने अपने जो रिलेटिव्स होंगे वो आपके रिलेशनशिप में कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश भी करेंगे कुछ बदगुमानियाँ फैलाने की कोशिश की जाएगी तो आपने इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना जब तक आप किसी चीज़ को आंखों से देखने लें और जजमेंट की तरफ नहीं जाना, कि भाई हो सकता है उसने ऐसे कहा हो उसने ये सोचा होगा उसने ये किया होगा गौसअप में नहीं रहना और स्ट्रॉन्गली कहूँगा जब तक आप अपनी आंखों से मामलात को ना देख लें तब तक इसके ऊपर आपने फोकस नहीं करना दूसरी तरफ चौथे का लॉर्ड भी आपके जाएचे के साथ घर में मौजूद है जो कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा लेकिन यहाँ पे मरकरी ने जो है वो 29 दिसंबर को इसी के साथ जो है वो कंजक्शन भी करनी है तो यहाँ पे फैमिली भी जो है वो इसी रॉ में बह सकती है सो कई ऐसे लोग जो कि आपके लिए बड़े मुतपिर होंगे जैसे आपकी वालदा भी हैं आपकी बड़ी बहनें भी हैं तो यहाँ पे चीज़ों को सेपरेट रखने की आपको जो है वो कोशिश करनी है आप अपने रिलेशनशिप को असर नो बढ़ाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए कुछ ट्रैवल भी करते नजर आते हैं अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो आप बढ़ाते भी नज़र आते हैं गुड लक आपको भरपूर साथ देगी चूंकि ग्यारहवें का लॉर्ड भी बड़े अच्छी पोजिशन में जो यहाँ पर मौजूद है दसवें में जुपिटर ये आपके छठे का हाथ के मुताबिक दसवें में बैठा है तो इट्स मीन कि स्पेशली वो लोग जो कि जॉब पर्सन है आपको बड़ी अच्छी कामयाबी मिल सकती है सीनियर के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर होंगे आप अपनी ी शख्सियत को जो है प्रमोट करेंगे और अपने वर्क प्लेस पर स्पेशली आपको प्रमोट करेंगे और अगर आप कोई ख़ातून ख़ाना हैं हाउस वाइफ है तो आपका इन्फ्लुएंस अपनी ससुराल फैमिली के ऊपर जो है वो बढ़ेगा स्पेशली अपनी मदर लॉ के साथ आप कम्युनिकेशन की धर जाएंगी अपने मादी फवाद के असूल को भी आप लोग देखेंगे और आज़ादी राय ये बहुत अहम होगी कि आप इसके ऊपर जो है वो काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं सो इन चीज़ों को आपको बड़ी एहतियात के साथ जो है वो चलाने की जरूरत होगी क्योंकि मार्स नेगेटिव है बारहवें घर में जो कि दसवें का भी लॉर्ड है जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा कोई भी एग्रीमेंट कोई पार्टनरशिप आपदे जॉइंट एडवेंचर ये इस वक्त में स्टार्ट करना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा सो आप भी केयरफुल आपको बड़ी एहतियात के साथ इन मामला को आगे ले जाना है और जैसे कि मैंने कहा जुपीटर पे मैं अलग वीडियो दे चुका हूँ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आपके लिए बहुत ही इन बेहतर होगी लेकिन मैं यहाँ पर इन शॉर्ट जरूर कहूँगा कि आपके लिए नए दरवाजे जो हैं वो खुलने स्टार्ट हो चुके अब न्यू बिगिनिंग के लिए आप तैयार रहिए लेकिन साथ ही चैलेंज मरकरी एटोग्रेशन की सूरत में भी आपके पास आ चुका है मजीद डिटेल्स आप बड़ी छोटे छोटे को दरमियान में कई चीज़ें आ रही होती हैं तो उसके लिए आप हमें फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं आस्ट्रो जावा के नाम से ये आपके लिए इन बहुत सारी इन्फॉमेशन आपको मिल सकेंगी और आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो रूबी और पल दो स्टोन आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं आ, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि इसको ज़रूर बेर करें ये आपको एक स्पोर्टिंग लाइन है मिसाल के तौर पर सदी है तो हमने ये कर्टन जो है ना वो चेंज किए ताकि हम प्रोटेक्ट रहें और इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रॉग होगी रूबी से यानी याकूत से तो ज़रूर उसको बेयर करें बेहतरीन जमसों के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पर हमारे साथ रबते में आ सकते हैं हर हफ्ते आ, किसी ने एक स्टोन पर आपको इन्फॉमेशन भी दी जाती है और डिस्काउंट भी ऑफर होता है लेकिन मिल उन लोगों को पाती है जो कि हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं या उनके पास अपडेटेशन जो है वो आती रहती है सो डोंट मिस इट इस वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर आगा कीजिएगा और तीन वीडियोज़ मैंने आपको बता दी देखना ना भूलिएगा इजाज़ा चाहूँगा अल्लाह हाफिज़